मित्रों, आज मैं आप लोगों को कुछ साइंस के जनरल नॉलेज आपको बताने जा रहा हूं, जो प्रायः रेलवे, बैंक, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी और टेक्नीशियन के एग्जाम में बहुत से सवाल इसमें से पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। और दूसरी बात, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज प्रेमनाथ दुबे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक कमेंट शेयर करें। और आपके मन में अगर कोई इस तरह का है कि सर इस तरह का भी वीडियो बनाओ, तो हम निश्चित प्रयास करेंगे। तो मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। पहला सवाल है कि रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? तो है ट्राइटेनियम। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? जो एल्युमिनियम ये सब का अयस्क होता है, उसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसको क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। अयस्क में से गैंग हटाने के लिए जो मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको फ्लक्स कहते हैं। गैंग और फ्लक्स के मिलाने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं। हार्न सिल्वर किस धातु का अयस्क है? तो चांदी का। हेवी स्पार अयस्क किसका है? बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने के बाद बना पदार्थ कौन सा होता है? फेरिक ऑक्साइड या फिर Fe2O3। तांबे का शत्रु कौन है? कौन सी धातु जो है तांबे का शत्रु है? तो है अधातु है सल्फर। झूठा सोना कौन होता है? आयरन पाइराइटिस या Fe2। चांदी के का जो निष्कर्षण का मुख्य अयस्क कौन है चांदी के? तो उसको अर्जेंटाइट बोलते हैं। हॉलमार्क जो होता है का चिन्ह किस उत्पादक में लगाया जाता है? सोने के आभूषण में 916 का हॉलमार्क लगाया जाता है। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? तो वही आयरन पाइराइट को। रसायनों का सम्राट कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके बाद हीलियम गैस की खोज करता कौन थे? तो लोकेयर थे। इसके बाद पेट्रोलियम जो कच्चा तेल आता है उसमें जो पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त होने वाला जो वैक्स होता है, मोम होता है, उसको क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। टमाटर सॉस, जो टमाटर सॉस आप खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। मानव के गुर्दे में जो पथरी बनती है वो किस रासायनिक पदार्थ का होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त कौन सा यौगिक किया जाता है? एनिलीन। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पीवीसी पाइप जो आती है उसका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट किस से बनाया जाता है? तो रेनकोट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। नायलॉन बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं? एडिपिक अम्ल का उपयोग करते हैं। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो वृक्षों की छाल पर जो कवक उगते हैं उसे कोर्टिकोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफ्लिक्स कहते हैं। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। तंबाकू की पत्तियों में कौन सा रसायन पाया जाता है? निकोटीन। 2,4-D क्या है? 2,4-D क्या है? ये खरपतवार नाशक दवाई है। और पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है फफूंदी। ये था मित्रों आज के रसायन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
और उनके साथ साथ उसका उत्तर। थैंक यू मित्रों।